ओके, एनआरवी तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी ना, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। अच्छा, जो आपका स्टॉक है इन्वेंट्री, उसकी जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरह कैलकुलेट होगी? सपोज ये एक एग्जांपल है, आपने गुड्स बाय की 1000 यूनिट्स, 10 के रेट पे, फिर 1200, 12 के रेट पर 1500, 13 के रेट पर सोल्ड कितने यूनिट्स हुए, एंड पे स्टॉक कितना बच गया, 700 की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे करेंगे? वो तो मेथड जो होते हैं इसके लिए हम वो मेथड यूज करेंगे, तीन मेथड है ना आपके, फीफो, लीफो और एफओ। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम अपने स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते। अच्छा, ये तीन मेथड आपने एमए में पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग ना, फीफो, लीफो और एफओ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दो, जो तीन मेथड हैं, अभी तीन नहीं है, अभी दो मेथड हैं, अब तक हम दो मेथड से बात करेंगे, फीफो और एफओ। लीफो मेथड अब यूज नहीं होता, ऑब्सलीट होता। अच्छा जी, हाँ बताता, एमए में ही खैर यूज होगा अभी भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी मेथड यूज नहीं होता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लीफो मेथड यूज नहीं होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, जो हमने आईएएस की बात की थी ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं लिफो मेथड, लेकिन जब बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फिर लिफो मेथड यूज नहीं होगा, अभी ऑब्सलीट हो गया है। अब फिर दो मेथड है, फीफो और एफ। अच्छा, अभी क्यों यूज नहीं होता, इसकी रीजन भी बताता हूँ। अब ये होते क्या है ये तो आपको पता ही है ना, जैसे कि अब ये कोई एक एग्जाम्पल है, अब आपको अगर फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो क्या वो कैलकुलेशन होगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 1000 सेल हो गए, 1200 सोल्ड हो गए, बचेंगे किसमें से? 1500 में से ना, 1500 में से 700 यूनिट्स बच गए, रेट कितना है? 13 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, लीफो में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये 1500 सोल्ड हो गया, 1200 सोल्ड हो गया, 1000 में से फिर बचेंगे 700, तो रेट कौन सा लगेगा? 10 का, तो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 7 का। बाकी एफओ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो फिर दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी ना, एवरेज आ जाए। अब ये जो मेथड है लीफो नहीं करते हैं, इसकी क्या रीजन है? देखिए, फीफो मेथड से हमने स्टॉक कैलकुलेट किया, कॉस्ट कितनी आ रही है? 9100। तो ये 9100, अच्छा करंट मार्केट वैल्यू क्या है इस वक्त? करंट मार्केट वैल्यू 13 है ना, पहले स्टॉक लिया था 10 के रेट पे, फिर 12 और अब 13, द लास्ट डेट रेट आपका क्या है? 13। करंट रेट क्या चल रहा है इस वक्त? 13। फीफो से जो आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे 9100, ये करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैश पर करंट मार्केट वैल्यू स्टॉक कितना है आपका? 9100। जबकि लीफो में आप गौर कर रहे हैं, यहाँ जो स्टॉक आ रहा है 7000, ये क्या शो कर रहा है? ये करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो 10 का रेट था वो स्टार्टिंग में था ना, तो इससे जो आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे लिफो मेथड से, वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये आपको अपडेटेड स्टॉक नहीं देगा, बल्कि आउट स्टॉक बता रहे हैं। बैठे नंबर वन वाले, नंबर बढ़वा ले, तो आप लीफो से जो स्टॉक हम कैलकुलेट कर रहे हैं 7000 जो कॉस्ट आई है, वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो आउटडेटेड स्टॉक दिखा रहे हैं। इनके स्टार्ट में जो रेट था उसके मुताबिक आपका स्टॉक कितना है? लीफो से स्टॉक जो कैलकुलेट किया वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बेहतर क्या दोनों में से बेहतर क्या हुआ? जो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे, तो बेहतर मेथड कौन सा हुआ? लीफो। और ये जो लीफो है बिल्कुल आउटडेटेड स्टॉक दिखा रहे, उसकी अब ये मेथड यूज नहीं होगा। बाकी देखिए, एफको से जो भी कॉस्ट आएगी वो ना तो बिल्कुल करंट होगी, ना बिल्कुल अपडेटेड होगी, ना बिल्कुल आउटडेटेड होगी। ठीक है, तो ये मेथड फिर भी क्या है? एक्सेप्टेबल है, बेहतर ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ये बेहतर है और ये बिल्कुल बेकार है, पारे कुछ, इसलिए आप लीफो मेथड यूज नहीं किया जा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया ना, तो ये है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बचेगा कौन सा वाला आखिर में, कौन सा बचेगा? तो बचेंगे ना 15 सौ में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड इन सेकंड आउट, थर्ड इन, इसमें से बचेगा। और इसमें क्या होगा, पहले ये आउट होगा फिर ये आउट होगा, वो बच जाएगा। यस जी, क्लियर हो गया? ठीक है, ये रीजन समझ में आ गई, मेथड यू यूज नहीं कर। तो अब ये तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम अपने क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है इससे हम अपने स्टॉक की एनआरवी कैलकुलेट कर सकते, और इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे दोनों में से लोअर क्या है, और उसमें हम अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। जी हाँ, जिससे वैल्यू कम आएगी, मतलब कॉस्ट या एनआरवी में से जो कम होगी उस पे हम अपना स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके अच्छा, अब ये तो हो गई बातें, अब एक करवाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगी। अच्छा, हैंडआउट आपको मिल गया है? हैंडआउट मिल गया, हैंडआउट निकाल रहे हैं जी, हाँ मेरे पास भी नहीं है। चलो, हाँ उनके पास नहीं है, फिलहाल यहीं से काम करना है, ब्रेक के बाद मिल जाएगा। लास्ट क्लास में नहीं दिया, चले यहाँ से फिलहाल स्क्रीन पे देख लें, ब्रेक के बाद मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें, तो सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द करेक्ट टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। अब ये 4 आइटम्स है, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी और आइटम डी। अच्छा, इनकी कॉस्ट दी भी आपको, और आगे नोट में लिखा हुआ है आइटम्स टू बी सोल्ड फॉर, नो अदर कॉस्ट आर एंटिसिपेटेड, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अब इनकी हमें वैल्यूएशन करनी है, तो एक यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे हम। यहाँ पर हमारा लिख लेते हैं, कॉलम बनेगा आइटम्स का, उसके बाद ये इसकी कॉस्ट, सेकंड कॉलम एनआरवी का, और थर्ड आ जाएगा रिवैल्यूएशन। नहीं, 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक ओके, अब है आइटम ए, आवाज नहीं, बातें नहीं, सीधा होता ब्रेक। अच्छा, आइटम ए की कॉस्ट कितनी है? 2000। ठीक, इसकी एनआरवी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पहले क्या हुआ, आइटम्स टू बी सोल्ड फॉर 3500, ये तो हो गई सेलिंग प्राइस, नो अदर कॉस्ट आर एंटिसिपेटेड। एनआरवी का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 3500, एक्सपेंसेस 0, एनआरवी 3500 हो जाएगी ना। अच्छा, स्टॉक वैल्यूएशन का रूल क्या है हमारा? अब रूल क्या था जी? पहले क्या, इन्वेंटरीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, लोअर पे वैल्यू करेंगे ना। अब इसमें देखिए कॉस्ट कितनी है, 2500, एनआरवी 3500, तो लोअर क्या है इसमें? कॉस्ट लोअर है, तो इसको हम वैल्यू करेंगे 2000 कॉस्ट पे। ओके, तो ये तो आइटम ए की वैल्यूएशन हो गई 2000। अब आइटम बी की कॉस्ट कितनी है? 500,
अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 600 और सेलिंग कॉस्ट विल बी 50 एंड अ 10% रेट डिस्काउंट नीड्स टू बी गिवन ऑन सेलिंग प्राइस टू सेल देम। तब सेलिंग प्राइस 600, 10% रेट डिस्काउंट है, 600 का 10% 60, और सेलिंग एक्सपेंस कितने 50 माइनस करेंगे, एनआरवी आ जाएगी कितने आ रही है 490। अब यहां पर देखें कॉस्ट कितनी है 500, एनआरवी आ रही है 490। तो इट मींस के जब ये आइटम हमारा बी आइटम बी सोल्ड होगा तो हमें $10 का लॉस होगा, ठीक है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें। तो अब स्टॉक को हम वैल्यू किस पे करेंगे, एनआरवी पे, लोअर पे, एनआरवी पे यानी कि 490 पे, ठीक है। नहीं आइटम सेल नहीं हुए अभी, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये ईयर एंड पे ये स्टॉक बचा है हमारे, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसकी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है। आइटम सी कॉस्ट है 1500 और सेलिंग प्राइस 2500, सेलिंग एक्सपेंस 800। 2500 माइनस 800 एनआरवी 1700। अब कॉस्ट कितनी है 1500, एनआरवी 1700। लोअर केस में कॉस्ट लोअर है तो इसको हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे 1500। आइटम डी कॉस्ट कितनी है 1000, सेलिंग प्राइस 1500, सेलिंग कॉस्ट 600। तो 1500 माइनस 600 900 एनआरवी आ गया, ठीक है। कॉस्ट है 1000, एनआरवी 900, यहां भी हमें क्या है लॉस होगा। अब इसको हम वैल्यू करेंगे लोअर पे यानी कि एनआरवी पे, और अब इसका सम कर लेते हैं, इन चारों का टोटल करें 4890। तो ये होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 4890। तो ईयर एंड पर जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा 4890। कॉपी कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर टू आपने सॉल्व कर लिए, सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कर ले, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, करें क्या रहे हाँ 684 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा देयर वर थ्री पेंटिंग्स एंड इन्वेंट्री एट 30th नवंबर। अब ये कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, तो ये टेबल बन जाएगा, इसी तरह का टेबल बना लेते हैं क्वेश्चन वन की तरह। यहाँ लिखना पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग वन है, फर्स्ट वॉज बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 700, ओके फर्स्ट है इसकी कॉस्ट हो गई
700. It will need to be reframed at the cost of 150. Expected selling price is 1000. 1000 minus 150, 850 NRV. दोनों में लोअर क्या है? 700 कॉस्ट लोअर है, तो इसे हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे 700 पे. सेकंड पेंटिंग, सेकंड वाज बॉट फॉर 850. कॉस्ट हो गई, एनआरबी क्या हो गई? इट इज अ सर्टिफाइड ओरिजिनल वर्क बाय एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर आर्टिस्ट. अदर सिमिलर पेंटिंग्स बाय दिस आर्टिस्ट आर करेंटली सेलिंग फॉर ओवर 2500. ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी और एक्सपेंसेस कितने? जीरो. तो ये इसकी एनआरबी होगी. अब लोअर क्या है? 850 कॉस्ट. तो इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे 850 पर. थर्ड पेंटिंग, थर्ड की कॉस्ट है 900. सेलिंग प्राइस 400. एक्सपेंसेस जीरो. तो यही एनआरबी हो जाएगी. अब इसमें लोअर क्या है? 400 एनआरबी. तो इसको वैल्यू करेंगे एनआरबी पे. और अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं. 1950 क्लोजिंग स्टॉक आ जाए. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. कॉपी कर लें. क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं पी एंड क्यू. अ फर्म बायज एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू. द फॉलोइंग यूनिट कॉस्ट आर अवेलेबल. ओके, तो यहां पर ये प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं. ये कॉपी करते हैं. दो प्रोडक्ट्स आ गए पी एंड. अच्छा, प्रोडक्ट पी की कॉस्ट बताएं क्या होगी? परचेज कॉस्ट है 100. फिर डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, पैकेजिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट क्या होगी? सिर्फ 100. और इसका क्या करें? डिलीवरी कॉस्ट का क्या करें? अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, क्या है? डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर यानी कि कैरेज इनवर्ड हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड परचेज के टाइम पर पे किया. और ये डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, ये कैरेज आउटवर्ड हो गया, डिलीवरी के टाइम पे आपने कॉस्ट इनकर किया ना. तो ये जो डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर है, ये तो आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा कि आप कस्टमर को डिलीवर करके आ रहे हैं, ठीक है. और ये डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, ये आपका कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन इन, तो ये परचेज में ऐड करते हैं ना. तो परचेज कॉस्ट है 100 और ये डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 20 ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 120. अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 150 माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंस. अब सेलिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर 22, पैकेजिंग कॉस्ट 15, और एनआरवी क्या रही है? 113. अब इन दोनों में लोअर क्या है? एनआरवी लोअर है, जिसे वैल्यू करेंगे एनआरवी पर. अच्छा, प्रोडक्ट क्यू, परचेज कॉस्ट 200, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 30, कॉस्ट हो जाएगी 230. ओके, अब सेलिंग प्राइस 300, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. अब डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर 40, पैकेजिंग कॉस्ट 18, एनआरबी 242. दोनों में लोअर क्या है? तो यहाँ कॉस्ट लोअर है, तो इसमें वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे. और इसके बाद दोनों का टोटल कर लेते हैं 340.
फिर ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक 343 है। हाँ जब क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्रोडक्ट्स है, एबीसी, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है? 20, और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 30 माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस में क्या आ रहा है? मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है। मार्केटिंग कॉस्ट है 7, माइनस करेंगे एनआरवी आएगी 23। अच्छा अब इसमें लोअर क्या है? कॉस्ट, उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमें इसने यूनिट्स भी दिए हुए हैं 200, अब इसे हम यूनिट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, अब इसके टोटल क्या बन जाएगा? 4,000, ठीक है, टोटल आ जाएगा 4,000। अच्छा इसके बाद बी है, बी की कॉस्ट है 9, सेलिंग प्राइस 12, माइनस एक्सपेंस करेंगे मॉडिफिकेशन है 2, मार्केटिंग कॉस्ट 2, 2 माइनस 2 तो 8, आपकी एनआरवी आ गई। लोअर इसमें क्या है? 8, तो एनआरवी पे वैल्यू करेंगे और अब यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने यूनिट्स है? 150 टोटल, 12,000। आइटम सी की कॉस्ट है 12, सेलिंग प्राइस 22, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस 8 और 2, -8 -2 12, इसमें दोनों इक्वल हैं तो कुछ भी ले लेंगे 12, और मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट से 300 आ रहे हैं 3,600। तीनों तीनों को ऐड कर लेते हैं तो 8800 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 8,800 आ जाएगा। कॉपी कर लें, ऐसे जो है। क्वेश्चन नंबर 6, हैरो लिमिटेड सेल्स ऑन, सेल्स वन ऑनलाइन, वन लाइन ऑफ स्टॉक एट द ईयर एंड, हैव 200 यूनिट्स इन स्टॉक, ओरिजिनल कॉस्ट है 10, इनका डिलीवरी कॉस्ट 120। अच्छा पहले इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने 200 यूनिट्स हैं, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 पर यूनिट, टोटल कितना हो गया 2,000, और डिलीवरी कॉस्ट कितनी है 120, ये ऐड कर लेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,120, ठीक है। ये तो हो गई इसकी कॉस्ट 2,120। अब एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 13 पर यूनिट है, 200 यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस 13, टोटल कितने हो जाएंगे 2,600 लग रहा है। जिसके बाद अब एक्सपेंस कितने हैं? 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 2,600 का 10% कितना बनेगा? 260, एक्सपेंस माइनस करते हैं तो एनआरवी आ जाएगी 2,340, ठीक है 2,340। अब लोअर केस में 2,120 कॉस्ट लोअर है तो स्टॉक को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा 2,120, इसका आंसर हो जाएगा 2,120। कॉपी कर लें, ये बात है 7,
7 7 7 ठीक है। अब ये क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन तो टैली कर लें, 7 8 7 का आंसर है 9000 और 8 का आंसर 42000। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर? लड़कियां लड़कियां भी कम नहीं है। अच्छा ये तो अपने कुछ कैलकुलेशंस, दो तीन कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर एग्जाम पेट करेंगे। अच्छा ये आपके पास लिखा हुआ, इंपैक्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड ऑन प्रॉफिट एंड एसेट्स इंपैक्ट आएगा, इंपैक्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड ऑन प्रॉफिट एंड एसेट्स, लॉस नहीं आंसर जी। हैंड आउट में लिखा हुआ, हैंड आउट में देखें इधर आ जाओ, पर इम्पैक्ट पे बात कर लेंगे कि मेथड चेंज होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके पहले नंबर प्राइस, राइज हो रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, फीफो मेथड से क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा आएगा और एफ को मेथड से क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा, ये तो आपको पता है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी आंसर ये आ रहे थे ना, फिफो से स्टॉक कितना था 720 आया था और एफ को से कुछ 684 आया था, तो प्राइस अगर राइज हो रहा है इन्फ्लेशन है तो फीफो मेथड से स्टॉक हाई होगा, एफ को मेथड से स्टॉक लो आएगा। अच्छा स्टॉक आपका हाई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो होगी कम हो जाएगी। अच्छा कॉस्ट आपकी लो होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, हाई हो जाएगा। अच्छा और स्टॉक आपका हाई है तो वो एसेट्स भी ज्यादा आएंगे क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हुए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ऐड होती है ना, तो इन्वेंट्री आपकी हाई है तो एसेट्स भी आपके हाई हो जाएंगे और रिपो में एफ को में इसका अपोजिट हो गया, स्टॉक लो है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाई होगी, कॉस्ट हाई है तो प्रॉफिट लो हो जाएगा और इन्वेंट्री आपकी लो है तो एसेट्स भी लो आएंगे ना, से लो। क्लियर? क्लियर? और अगर डिफ्लेशन है प्राइस फॉल हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो रिवर्स हो जाएगा, फीफो में स्टॉक लो होगा और एफओ में फिर हाई हो जाएगा। अच्छा स्टॉक लो है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हाई होगी, कॉस्ट हाई होगी तो प्रॉफिट और स्टॉक आपका लो है तो एसेट भी लोअर होंगे कम हो जाएंगे और एफ को में रिवर्स हो जाएगा, दोनों दोनों ऐसा ही होगा। ठीक है ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा इसके बाद एक पॉइंट और है, देखिए हम जो स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं उसमें एरर हो सकता है ना, मिस्टेक हो सकती है स्टॉक वैल्यूएशन में, कैलकुलेशन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, काउंटिंग में, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो उससे आपका स्टॉक क्या या तो ओवर स्टेट हो जाएगा या अंडर स्टेट होगा, ओवर कास्ट या अंडर कास्ट। ठीक है अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ओवर अंडर कास्ट, इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन फाइनेंशियल स्टेट, रॉन्ग वैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट होगा, रॉन्ग वैल्यूएशन क्या हो सकती है, या तो आपका स्टॉक ओवर कास्ट होगा या अंडर कास्ट हो जाएगा। तो और इसमें बात करते हैं पहले क्लोजिंग स्टॉक की, उसके बाद फिर ओपनिंग स्टॉक की बात, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर कास्ट है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। स्टॉक अगर ओवर कास्ट है मीन्स स्टॉक ज्यादा बचा आपका सोल्ड कम हुआ तो कॉस्ट आपकी कम होगी, अच्छा कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा और स्टॉक आपका ओवर कास्ट है तो एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा,
एसेट्स भी ओवरकास्ट। स्टॉक ओवरकास्ट होने से कॉस्ट अंडरकास्ट हो जाएगी, कॉस्ट अंडरकास्ट होने से प्रॉफिट ओवरकास्ट होगा, और स्टॉक ओवरकास्ट है तो एसेट्स भी आपके ओवरकास्ट हो जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरकास्ट है, स्टॉक यानी कि कम बचा आपके पास, तो सोल्ड इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवरकास्ट हो जाएगी, कॉस्ट ओवरकास्ट होगी तो प्रॉफिट अंडरकास्ट हो जाएगा, कॉस्ट ओवर होगी तो प्रॉफिट कम होगा। क्या कॉस्ट अच्छा ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा सोल्ड होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, सेल नहीं हुआ कॉस्ट ज्यादा होगा, सोल्ड तो उतना ही है, सेल तो वही रहेगी ना आपकी। स्टॉक आपने रॉन्ग कैलकुलेट किया, इसकी वजह से कॉस्ट ओवर हो, प्रॉफिट क्या आएगा, सेल तो वही रहेगी ना, यूनिट थोड़ी सोल्ड हो गया, कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम। अच्छा, स्टॉक अंडर कास्ट है तो एसेट्स भी अंडर कास्ट हो जाएगी, एसेट्स का टोटल भी कम है। क्लियर? अच्छा, इसको मैंने पूरे एक एग्जांपल बनाई हुई है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, ये ओरिजिनल फिगर्स हैं, सेल्स कितनी है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 5,000, परचेज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो गई 52, तो 1 लाख में से 52 माइनस करेंगे प्रॉफिट आ गया 48, ये हो गई ओरिजिनल फिगर। अच्छा, ये हैंडआउट में नहीं लिखा हुआ, ये हैंडआउट में नहीं है, ये आप लोग बाद में कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, अब क्या यहाँ पर स्टॉक हमारा हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हुआ ओवरकास्ट, इसके क्या इफेक्ट होंगे, सेल्स तो वही रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, परचेजेस आपकी सेम है, क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो 3,000 से 3,500, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, 5 + 50 - 35 कम हो जाएगा ना, और कॉस्ट पहले कितनी थी 52, अब कॉस्ट कितनी आ रही है 51,005। स्टॉक ओवरकास्ट होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर कास्ट, अब प्रॉफिट आपका क्या होगा, ओवरकास्ट हो गया, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर कास्ट, सेल्स वही है, ओपनिंग स्टॉक सेम, परचेजेस सेम, क्लोजिंग स्टॉक आपका 3,000 से 2,500 हो गया अंडर कास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आया, बढ़ गई, कॉस्ट ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट काम है। ठीक है, क्लियर? ये तो बात हो गई क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक की बात कर, नीचे समझिए तो बाद में वहां बता दूंगा, सेल्स वही है हमारी, ओरिजिनल फिगर्स वही है सेम। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओवरकास्ट, ये 5,000 से 6,000 हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा हो गई 52 से 53,000, कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 48 से 47, यानी कि 1,00,000 - 53,000 - 47 आएगा। ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवरकास्ट होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवरकास्ट होने से प्रॉफिट कम होगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, एंड्री का 5,000 ओरिजिनल फिगर थी, अब कितना आ रहा है 4, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आया, कम हो गई, ओपनिंग 4 + 50 - 51 आया, 52,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, अब कितनी आ रही है 51, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर कास्ट तो प्रॉफिट ओवर कास्ट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पहले लिखा हुआ भी इम्पैक्ट आ रही है ओपनिंग स्टॉक के, ना यहाँ पे ये लिखा, हाँ तो जाते हैं। अच्छा, ये हो गए इम्पैक्ट के, इफेक्ट हो गए ओवरकास्ट अंडरकास्ट के, तो ये एग्जांपल आप लोग कॉपी कर लें, ये हैंडआउट में नहीं है, इसको कॉपी कर लें पहले। ठीक, कर रहा हूँ, सबर। ओके जी। अच्छा, अब ये एग्जाम के बीपीपी क्वेश्चन नंबर 9.1 बताएं, ये लैंप डिम हो गया बहुत देख ले जी, 9.1
अच्छा वो भी हम बात करते हैं राइटिंग का एक से है सही बोलते हैं जी। फीफो में प्राइस राइज हो रहे हैं, फीफो मेथड से ये क्लोथिंग स्टॉक हाई होगा, कॉस्ट आपकी लो रहेगी तो प्रॉफिट हाई, तो इन्वेंट्री और प्रॉफिट दोनों हाई होगी, हायर होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। राइजिंग प्राइसेस कोई दिक्कत है? दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। हाँ सर मैं बस इनको राइजिंग का प्राइस है ना क्योंकि बहुत बड़ी कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सस्ते आइटम छोड़ लो देंगे, महंगा आइटम बचेगा ना आखिर में, जो बात ही नहीं आखिर में जो बचेगा वो महंगा आइटम होगा ना। ठीक स्टॉक हाई होगा, कॉस्ट लो रहेगी, प्रॉफिट प्रॉफिट हाई हो जाएगा। ऑप्शन बी ये 9.2 मेड एरर एंड कैलकुलेटिंग, अब ये एरर आ गया इसमें, इन्वेंटरी क्या हो गया ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर कास्ट ओवर स्टेट। अब क्या बताना है प्रॉफिट और एसेट्स पे क्या इफेक्ट होगा? स्टॉक हाई हुआ तो कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी, कॉस्ट लो होगी तो प्रॉफिट हाई हो जाएगा, प्रॉफिट ओवर हो जाएगा, और स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो एसेट्स भी आपके ओवर वैल्यूड होंगे तो नेट एसेट भी ओवर वैल्यूड। ऑप्शन बी हो जाएगा ना, ऑप्शन बी ओवर स्टेटेड ओवर। अच्छा ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज है, कैलकुलेशन है सर, ठीक ये हो जाएगा 9.4। जब ये जो हमने उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्वेश्चंस किए थे उस टाइप का क्वेश्चन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हाँ देखिए इसमें क्या है, परचेजेस हैं, सेल्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो इस तो उसी तरह होगा जो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में किया था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कैलकुलेशन होगी ना, सेल से पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे, बाकी ओपनिंग स्टॉक परचेज दी हुई है तो फिर रिवर्स कैलकुलेट करके ये आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन फाइव, अच्छा क्या पर डिस्कवर क्या एरर है, कॉस्ट आपकी 5,000 है, एनआरबी 3,000 है, ओमिटेड फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंटरी का ओमिट हो गया तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। हो गया। अच्छा व्हाट एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू क्लोजिंग इन्वेंटरी, अच्छा आप ये 5,000 ऐड करेंगे 3,000, थ्री थाउजेंड ऐड होंगे क्योंकि एनआरबी लोअर है तो लोअर पे ऐड करेंगे, तो 3,000 ऐड करेंगे तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 3,000 से इंक्रीज। सिक्स, तो बहुत आसान मेथड का नाम बताओ, ऑप्शन ऑप्शन होता है फीफो मेथड है ठीक है, ऑप्शन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 9.7, अब बताइए क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,400 का, अच्छा दिस इंक्लूडेड आइटम्स कॉस्टिंग 2,600 हैव बीन सीन सुपरसीडेड बाय बेटर डिजाइन दैट इज एबल टू सेल इन दैट फॉर 1,400 है, कमीशन 10% है, करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताना है, इस 45,400 स्टॉक दिया हुआ है तो करेक्शन के बाद बताना है क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्या करेंगे इसमें? अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है 45,400 ठीक है, अब वो कह रहे हैं दिस इंक्लूडेड आइटम्स कॉस्टिंग 2,600, ये इंक्लूड है इसके अंदर, विच हैव बीन सिंस बिजनेस हैव बीन सुपरसीडेड बाय एन अपडेटेड डिजाइन देट ही विल बी एबल टू सेल दीज आइटम्स थ्रू एन एजेंट फॉर 14। अब सेल कितने में होंगे, सेलिंग प्राइस आ गई और कमीशन कितना है 10%, तो अब हम इसकी पहले एनआरबी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कॉस्ट पे इंक्लूड करना है या एनआरबी।
पहले तो 9.7 आपका क्लोथिंग स्टॉक कितना है? क्लोथिंग स्टॉक है 45,400 है। अब हमने इसमें करेक्शन करनी है, पहले हम क्या लिखते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है इस आइटम की? कॉस्ट है 2,600, तो कॉस्ट आ गई। अब इसकी एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,400। सेलिंग प्राइस 1,400 है। कमीशन कितना है? 10%। 10% माइनस करेंगे 140, एनआरवी आ जाएगी कितनी? क्यों सुनते जाएं, क्यों ऐड होगा? एजेंट 1,200 तो हमें ज्यादा, फिर एजेंट को देंगे फिर क्या होगा? को माइनस होगा ना। 1,400 में सेल करेगा, 140 कमीशन रख लेगा, हमें क्या मिलेंगे? 1,260। अच्छा, अब ये आ गई एनआरवी और ये इसकी कॉस्ट है 2,600। अब इस आइटम को हमें किस पे वैल्यू करना चाहिए? 1,260 पे वैल्यू करना चाहिए ना, और इसने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है कॉस्ट पे, ये लिखा ना, दिस इंक्लूडेड आइटम्स कॉस्टिंग 2,600। तो इसने इसको 2,600 पे इंक्लूड किया हुआ है, और जबकि इंक्लूड होना चाहिए 1,260 पर, तब आप क्या करेंगे इसमें से 2,600 माइनस कर दें और 1,260 प्लस कर ले, तो हमारे पास एडजस्टेड आ जाएगा ना, करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? हाँ 4,406,060। तो ये आपके पास एडजस्टेड या करेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, 4,406,060। आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होता है जी। अब कॉपी कर लें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 9.8, 9.8। अच्छा, लेवेनिया वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। एट इट कॉस्ट ऑफ 11,480, दिस इंक्लूडेड सम आइटम्स विच कॉस्ट 975, विच हैव बीन हार्ड टू सेल। अच्छा, लेवेनिया इज इंटेंड टू हैव दीज आइटम्स रीपैक्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 225, दिस विल अलाउ हर टू सेल देम फॉर 450। करेक्ट वैल्यू निकालनी है, इसी तरह सॉल्व होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 11,480, 9.8। ओके अच्छा, अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट, कॉस्ट कितनी है? 975 कॉस्ट है, 975। एनआरवी कैलकुलेट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 450। और इस पे रीपैकिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 225। माइनस करते हैं 225, तो एनआरवी क्या आ जाएगी? 225 होगी इसकी एनआरवी। अच्छा, इसका वैल्यू बात ही नहीं कर आप दोनों पीछे, आवाज नहीं है। अब वैल्यू किस पे करेंगे? कॉस्ट पे, एनआरवी पे? एनआरवी पे, ठीक है। और इसने इंक्लूड किया हुआ इसको कॉस्ट पे, अब इसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे 975, और एनआरवी ऐड कर लेंगे 225। कितना आ रहा है? 1,073। तो 10,730 करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट पे इंक्लूड किया हुआ है, और इंक्लूड करना चाहिए था एनआरबी पे, तो इसलिए हमने कॉस्ट को माइनस करके एनआरबी को ऐड कर दिया, तो ये करेक्शन हो गई। 9.9 आंसर बता दें। ठीक ठीक है, डी आंसर 9.10। अच्छा,
जी 9.10। अच्छा वही प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले तो नहीं होगा, बी हो सकता है, सी बी होगा, बी डी तो नहीं होगा ना, एक्यूरेट तो दोनों में ही होता है, बी या सी में चांस रहेगा, बी आंसर हो जाएगा। प्राइस अगर आपके राइज हो रहे हैं तो फीफो से आपका स्टॉक हो ज्यादा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, बी आंसर। 9.11, 9.11। अच्छा कॉस्ट है 2622 और सोल्ड कितने में किया, 1950 में, यानी कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है एसेट्स और कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा। टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी टू कॉस्ट है, 1950 में सोल्ड हुआ, लॉस हो रहा है कितना, 672 का लॉस हुआ है। अब एसेट्स और कैपिटल पर क्या इफेक्ट आएगा इसका, दोनों दोनों रिड्यूस होंगे, ये बाकी बताएं जी। ऑप्शन डी, बी ना बी है ना डी है, ए आंसर होगा। एसेट 672 से रिड्यूस होंगे, कैपिटल भी 672 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक कितने का था 2622, कैश कितना मिला 1950, तो एसेट्स डिक्रीज होंगे और लॉस की वजह से आपका कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ए। अच्छा ये आपका वेटेड एवरेज है, ये आप लोग कर लीजिएगा 12। अच्छा ये 13 भी, हाँ ये भी वही है, से बीबी की किट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कैप्लान कैप्लान से करते हैं, अभी तो काफी टाइम है, तो अभी कैप्लान। अच्छा क्वेश्चन नंबर 102 सेम है, बीपीपी में यही क्वेश्चन था, आंसर बी होगा, जब भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। अच्छा इसके बाद 103, ठीक है अभी आप लोग सॉल्व करें 103।